हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की ये वीडियो होने वाली है साउथ सुपरस्टार प्रभास की अपकमिंग मूवी सालार के बारे में। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वैसे कुछ भी कहा जाए, आज का दिन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है, जहां हमें सुपरस्टार जूनियर NTR और ऋतिक रोशन स्टारर फिल्म वॉर 2 का हिस्सा बनने की खबरें सामने आई। वही इसी हंगामे के बीच भी सुपरस्टार प्रभास की अपकमिंग मूवी सालार के मेकर्स ने भी कुछ ऐसा बताया है जिसे सुनने के बाद आप भी खुश हो जाएंगे। जी दोस्तों, सुपरस्टार प्रभास की अपकमिंग मूवी सालार के मेकर्स ने इस फिल्म की रिलीज डेट का एक बार फिर से ऐलान कर दिया है। इस मूवी को लेकर काफी दिनों से फैंस अपडेट का इंतजार कर रहे थे, लेकिन इसी बीच कयास लगने लगे थे कि सुपरस्टार प्रभास की फिल्म सालार की रिलीज डेट में बदलाव भी हो सकता है। बस था कि मेकर्स फिल्म सालार की रिलीज डेट को थोड़ा सा और टाल सकते हैं। इसकी जो मेन वजह सामने आई थी वो था सालार के पोस्ट प्रोडक्शन में लगने वाला वक्त। अब दोस्तों बताया ये जा रहा है कि कन्नड़ सुपरस्टार प्रभास की अपकमिंग ये मूवी सालार को KGF 2 के मेकर्स बना रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, फिल्म के लीड रोल में सुपरस्टार प्रभास तो नजर आने वाले हैं, लेकिन प्रभास के अपोजिट में श्रुति हासन नजर आने वाले हैं। और दोस्तों इतना ही नहीं, विलन के किरदार में मलयालम फिल्मों के सुपरस्टार पृथ्वीराज सुकुमारन और तेलुगु स्टार जगपति बाबू भी नजर आने वाले हैं। अब दोस्तों सालार की जो स्टार कास्ट है वो पहले से काफी ज्यादा जबरदस्त होने वाली है। अब दोस्तों अगर बात करें सालार के डायरेक्टर की तो वो होने वाले हैं प्रशांत नील। अब जाहिर है कि फिल्म को लेकर फैंस के बीच और भी एक्साइटमेंट बढ़ गई होगी। अब दोस्तों इसी मूवी से जुड़ी एक और दिलचस्प बात ये है कि सालार को मेकर्स सिर्फ 2 भाषाओं में बनाने वाले हैं और इसे लेकर भी फैंस के बीच खासा बज बना हुआ है। अब दोस्तों सवाल आपसे है कि साउथ सुपरस्टार प्रभास की ये मूवी सालार अगर KGF 2 के मेकर्स के हाथों बन रही है तो दोस्तों ये मूवी किस तरीके की होने वाली है? क्या दोस्तों सही में ये KGF 2 को टक्कर दे पाएगी? हमारे साथ कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलिए। ऐसी तमाम नई नई जानकारियों के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा।